साथियों, स्वच्छता का सीधा सरोकार स्वास्थ्य से है और गरीब परिवारों को इसका विशेष लाभ मिलता है। इससे डायरिया जैसी घातक बीमारी से हम हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख जीवन बचना संभव हुआ है। अगर हम एक की भी जिंदगी बचा लें तो जन्मों जन्म का पुण्य मिल जाता है। आप लोग तो 3 लाख लोगों की जिंदगी बचा रहे हो, जन्मों जन्म का पुण्य आपके साथ जुड़ रहा है। साथियों, स्वास्थ्य चाहे गरीब का हो या फिर मध्यम वर्ग के परिवार का, देश के इतिहास में पहली बार सरकार व्यापक रूप से प्रयास कर रही है। चाहे बड़े अस्पतालों का नेटवर्क हो, आयुष्मान भारत के तहत देश भर के गांवों में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का अभियान हो, या फिर गरीब को मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत, एक साथ अनेक काम हो रहे हैं। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ हरियाणा में ही नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट सहित इलाज और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े 5 बड़े संस्थानों का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। 2000 करोड़ रुपए से बना नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लागत के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है। यहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं बनाई जा रही है। इसी तरह यहां कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी और पंचकुला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के बनने से आयुर्वेद से जुड़े हमारे पुरातन उपचार की पद्धति को और बल मिलेगा। वहीं करनाल की पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में स्वास्थ्य से जुड़े शोध हो पाएंगे। फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से हमारे कामगार भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। साथियों, केंद्र सरकार देश में बड़े अस्पतालों का नेटवर्क किस तेजी से बिछा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज 21 एम्स देश में या तो काम कर रही है या फिर निर्माण का कार्य चल रहा है। इनमें से 14 एम्स पर काम 2014 के बाद, हमारे आने के बाद शुरू हुआ है। मुझे खुशी है कि इसमें एक और एम्स और जुड़ने वाला है जो हरियाणा के ही रेवाड़ी में बनेगा। मुझे बताया गया है कि मनेठी के जागरूक लोगों ने इस एम्स के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी है। मैं सभी जनों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। अब बहुत ही जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा।